जो इंडिया की टीम है ना वो हमने जिम्बाब्वे शिफ्ट कर दी है। अच्छा जी, अब वो जिम्बाब्वे में रहेंगे। अच्छा, और वहीं से खेलेंगे। इंडिया की टीम जिम्बाब्वे शिफ्ट हो गई है। सिर्फ वो सिख जो है ना, सिख उसको हमने इंडिया में छोड़ दिया। चलें, सारा की टीम जिम्बाब्वे शिफ्ट कर दी है, वो वहीं रहेंगे, वहीं खाएंगे पिएंगे, वहीं से ही खेलेंगे। चलें, अस्सलाम वालेकुम। अबे चल हली वली, ये देख, ये एक देख, ये देख, वो देख, सब काम कर रहे हैं। काम कर ले लेना, हमें 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 मैच हारने का दुखी कोई नहीं। हमें बहुत खुशी है कि हमारी टीम ने अच्छा परफॉर्म किया। वेल डन पाकिस्तान। ये देखें, ये बच्चे सपारा पढ़ के भी आ रहे हैं। ये देखें, वो छोटे भाई भी हैं, ये वाले, ये सारे। अबे हम सब काम कर रहे हैं, खुश हैं। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। ये इधर हमारे रघु भाई, ये दुपट्टों पे दुपट्टे फाड़ रहे हैं। ये देखें, हाँ जी, हमें कोई दुख नहीं है, समझ आ रही है। बस अपने टाइम ना लिया जी। कासिम भाई, सीरियसली बताना है आपको, मैच हारने का कोई दुख हुआ? यार दोस्त, दुख तो हुआ, क्यों नहीं हुआ। लेकिन हमने फाइट बहुत की है। फाइट की है, देखिए मैच अच्छा हुआ है, जो हमारी सोच थी उसके मुताबिक हुआ है। अगर थोड़ा सा स्कोर हम ज्यादा कर लेते तो हम पकड़ सकते थे इंग्लैंड। अगर स्कोर भी ज्यादा ना करते, शाहीन शाह फरीदी अनफिट ना ना होता तो लेने के देने पड़े। जीत सकते थे, जीत सकते थे। ये उन्होंने अच्छा खेला है, तो जो अच्छा खेलता है ये इंडियन जो है ना वो थोड़े से गलत कॉमेंट्स कर रहे हैं, तो उनको मैं मना कर रहा हूँ कि बाद आ जाओ, नहीं तो ऐसी लता तोड़ देनी है। अब इंडिया की टीम हमारी तरफ से खत्म है। बॉलिंग कितनी जबरदस्त रही पाकिस्तान की। बॉलिंग कितनी जबरदस्त रही यार, क्रिकेट समझ बूझ रख देने और वो देख दे पे की हुंदा पे ते की नहीं हुंदा। देख रहे हो नाजरीन, ए बंदा 500 हरया कल दे मैच दा ने पाकिस्तान दी बॉलिंग जो कीड़े काट दिए। हजार तेरा बताते ही उन्होंने, हजार पाइंदा ही बताते। वो देखें, वो भाई मारे सिलेंडर पकड़ के बनवाने के लिए जा रहे हैं। अरे कोई मसला है भाई, ये देख, आ जाए, राणा भी आ रहा है। राणे इधर आए, क्या हाल है? पाकिस्तान कल मैच आ रहा, दुख हुआ बहुत ज़्यादा। दफाओ जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शहजाद साहब, कल पाकिस्तान मैच आ रहा, दुख हुआ? कोई दुख नहीं हुआ भाई। भाई किसी को कोई दुख नहीं हुआ, ये देखो काम कर रहे हैं सारे, हम लोग इंजॉय कर रहे हैं। हम भूतनी के तुम्हारी तरह थोड़ी है, हैं? जी इरफान भाई, कल इंग्लैंड के साथ जो हमने इंग्लैंड को खली बली किया है जी जी, और कल अगर शाहीन फरीदी, वो हमारे प्यारे दोस्त भाई जी जी, वो फास्ट बॉलर पाकिस्तान के, अगर कल वो अनफिट ना होता तो कल इंडिया में सफ़े मातम बिछ जाना था। बिल्कुल जी, सफ़े मातम बिछ जाना था। बात ये है कि हमारी टीम पूरी चढ़ के खेली है, डरी नहीं है इंडिया की तरह। इंडिया ने तो आउट ही कोई नहीं किया, इंडिया का हमारे साथ क्या मुकाबला। उनकी बॉलिंग भी बेकार है, उनकी बैटिंग भी ऊपर से कोई इतनी नहीं है सिवाय कोहली भाई के। कोहली भाई क्योंकि वो अच्छा क्रिकेटर है, हम इज्जत करते हैं अच्छे क्रिकेटरों की। हम इंडिया जैसे ऐसे गलत कमेंट्स नहीं देते, हम अपनी पाकिस्तानी टीम पे बहुत खुश हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तानियों ने कल सबके दिल जीत लिए, पूरी दुनिया के दिल जीत लिए। मतलब 138 को डिफेंड करना ये पाकिस्तानी फास्ट बॉलरों का ही काम है। ऐसे ही है, और शाहीन शाह अफरीदी अनफिट ना हो तो इंशाल्लाह मैच भी जीत गए थे, लेकिन हमें दुख कोई नहीं है। हमारी टीम लड़ के खेली है और लड़ के हारी है, नो प्रॉब्लम। उधर स्टेडियम में भी बाबर आजम के हक में नारे लगे हैं, इधर भी पाकिस्तान में भी सब ने इनको अप्रिशिएट किया। और जब ये आएंगे इंशाल्लाह, इंडिया की तरह नहीं है कि उनके घरों के बाहर पुलिस आ गई, इधर इनका अच्छा इस्तकबाल होगा, इनको हम अप्रिशिएट करेंगे। ये हमारे हीरो हैं, तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है। अच्छा कल अगर शाहीन अफरीदी अनफिट ना ना होता, इंग्लैंड तो फटे पे आ गया था, उसके बाद जो है ना अपना इंडिया ने भी फटे पे आ जाना था। नुमान अले फटे थे। इंडिया ने कल, उनके भगवान सब उल्ट जाने थे इंडिया के, और इंडिया ने कहना था कि ये क्या हो गया, पाकिस्तान मैच जीत गया, अब क्या सोचे, क्या होना है, जो होना है अच्छा होगा। चले जी, ये इधर भी कुछ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं आप? चले जी, बहुत शुक्रिया जी, मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।